Hello friends, I hope that all you are well. And our today's topic is T.S. Eliot. In this video, I will explain T.S. Eliot's life, his important work, and as well as T.S. Eliot, who was a famous critic also. He was a famous poet, famous playwright. He wrote essay, plays, and as well as famous critic. So please like, share, and subscribe to our channels. And be continued. T.S. Eliot, his full name is Thomas Johns Eliot, who was born in St. Louis, Missouri in Midwestern America in 26 September 1888. He was a famous poet, playwright, as well as critic. When he was in school, he started to write poems. His first poem that was published at Table for Feasters. T.S. Eliot started to write a poem at Table for Feasters when he was 14, under 14. जब under 14 था उस टाइम से ही T.S. Eliot का पोइट्री का जो शौक है वो स्कूल टाइमिंग से ही था. He wanted to be a writer. His father was a businessman. Successful businessman थे उनके father Henry Ware Eliot. जो चाहते थे कि उनका बेटा जो है वो बिजनेस में परफेक्ट बने, बिजनेस में उनका जो है पार्टिसिपेट करे, उनके बिजनेस को आगे बढ़ाए. लेकिन T.S. Eliot, ही वॉज इंटरेस्टिंग एज अ राइटर, एज अ पोइट. ही स्टार्ट टू पोइट्री अंडर 14 एंड हिज फर्स्ट पोइम दैट वॉज अ टेबल फॉर फिस्टर दैट वॉज रिटन एज अ स्कूल एक्सरसाइज एंड वॉज पब्लिश्ड इन स्मिथ अकेडमी रिकॉर्ड इन फाब 1905 में. एंड ही गोट मैनी अवार्ड, मैनी स्कॉलरशिप फ्रॉम मर्टन कॉलेज ऑक्सफोर्ड इन 1914. एंड जॉर्ज थॉमस स्टर्न एलियट वॉज डाइड ऑन 4 January 1965 in London, and he was buried in the village of East Coker in Somerset. Somerset, यहाँ पे उनको bury किया गया. Next में आगे इनके most important कौन कौन से works हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे. Major works of T.S. Eliot. इनके major जो works हैं poetry. Poetry कौन कौन सी हैं? Proof Rock and Other Observation. द लव सॉन्ग ऑफ जे एल्फर्ड प्रूफ्रो पोइम्स 1920, स्वीने अमंग द नाइटिंगल्स हैं, मिस्टर एलियट संडे मॉर्निंग सीरीज है, कुकिंग एग, वेस्ट लैंड मोस्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट 1922, हॉलो मैन. आई विल एक्सप्लेन ईच एंड एवरी इन द कमिंग स्लाइड्स. द हॉलो मैन, एरियल पोइम्स, जर्नी ऑफ द मजाई, एस वेंसडे, फोर क्वार्टर्स, क्राइटेरियन प्लेस, Sweeney Agonist. These are the plays. Sweeney Agonist, The Rogue, Murder in the Cathedral, The Family Reunion, Cocktail Party, Confidential Clerk, Elder Statesman, Essays, The Metaphysical Poets, Tradition and the Individual Talent, Hamlet and His Problems. His essays were collected in the Sacred Wood. ये इनके जो essays हैं that were collected in the Sacred Wood. ये सेकर्ड वुड में, सॉरी यहाँ पे हैमलेट की जो स्पेलिंग है वो रोंग हो गई, सॉरी फॉर इट. नाउ द वेस्टलैंड. अब हम यहाँ पे वेस्टलैंड के ऊपर डिटेल से बात करेंगे. वेस्टलैंड, इट वाज मोस्ट इम्पोर्टेंट पोइम ऑफ T.S. Eliot. ये मोस्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट पोइम हर पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इसको इम्पोर्टेंट माना जाता है. इसमें मोस्ट टाइम इन ऐसे वेस्टलैंड से क्वेश्चन जो है वो अराइज होते हैं. ये जो पोइम है ग्रीक और लैटिन एपिग्राफ से ली गई है. द वेस्ट लैंड इज टेकन फ्रॉम गेस पेट्रोनियस से, द स्टेरी कॉन से ली गई है. इट वॉज पब्लिश इन 1922 में. 434 इसमें लाइन्स हैं. वेस्ट लैंड जो पोइम है इसमें 434 लाइन्स हैं. कई बार इसमें कन्फ्यूजन भी है, कई बार 433 भी मोस्ट ऑफ इसको कंसिडर करते हैं, पर एक्चुअली 434 इसमें लाइन्स है पोइम में. इट वॉज रिटन इन फ्री वर्स. ये किस में लिखी गई है? फ्री वर्स में. अभी मैं पूरा वेस्ट लैंड के बारे में ही जो इनकी पांच जो सेक्शन है, फाइव सेक्शंस हैं, उनको कंप्लीट इनको बता रही हूँ कि 1922 में हुआ है. इनका जो वेस्टलैंड है फर्स्ट इशू जो है वो आया है क्राइटेरियन में.
यूनाइटेड स्टेट्स में और इसमें सॉरी यूके में, यूनाइटेड स्टेट्स में नवंबर में इसका इश्यू आया है द डायल। डायल इनका जर्नल के नेम है। इट फॉलोज द लीजेंड ऑफ होली ग्रेल एंड द फिशर किंग। इसमें होली ग्रेल और फिशर किंग जो हैं इनके लीजेंड हैं, इन पे बेस हैं। तो इसमें वेस्टलैंड में मोस्ट इंपॉर्टेंट जो लाइन है, अप्रैल इज़ द क्रूलेस्ट मंथ, आई विल शो यू फियर इन हैंडफुल ऑफ डस्ट, है ना। तो इस टाइप के शांति शांति, तो इस तरह के हर एक उसमें से ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसको डिवाइड किया जाता है, इट वॉज डिवाइडेड इन फाइव सेक्शन। फाइव सेक्शन में डिवाइड किया जाता है। तो सबसे वेस्टलैंड से सबसे इम्पोर्टेंट है, इट वॉज पब्लिश इन 1922 में पब्लिश हुई है, और इसे यूके में क्राइटेरियन में पब्लिश हुई है, और यूनाइटेड स्टेट्स में सबसे पहले द डायल में आई है। लीजेंड कौन से इसमें, होरी और इसमें द क्राइटेरियन है, डायल है, और इसमें लीजेंड जो हैं होरी ग्रेल और फिशर किंग का लीजेंड है। इट वॉज डिवाइडेड इंटू फाइव सेक्शन, द बुरियल ऑफ द डेड, ए गेम ऑफ चेस, द फायर सरमन, डेथ बाय वाटर, व्हाट द थंडर सेड। और एलन टेटे जो है इस पोइम के बारे में, वेस्टलैंड के बारे में बोलता है, म्यूजिक ऑफ आइडियाज, दैट वेस्टलैंड इज अ म्यूजिक ऑफ आइडियाज, के म्यूजिक ऑफ आइडियाज है। नाउ वी विल एक्सप्लेन वन बाय वन, द ब्यूरियल ऑफ द डेड, दिस इज द फर्स्ट सेक्शन ऑफ दिस पोइम द वेस्टलैंड। हेयर व्हाट इज द मेन थीम ऑफ द ब्यूरियल ऑफ द डेड, ब्यूरियल ऑफ द डेड है उसकी मेन थीम जो है मॉडर्न सिटी एज द रियल वेस्टलैंड ऑफ द पोइम। यहाँ पे जो है वो ये टाइटल जो है एंग्लिकन ब्यूरियल सर्विस से लिया गया है, और यहाँ पे डिस्पेयर दुख दिखाया गया है, और इसके अंदर फोर एपिसोड हैं। ब्यूरियल ऑफ द डेड के अंदर अलग अलग फोर एपिसोड हैं, अलग अलग पार्ट हैं। इसमें फर्स्ट जो पार्ट है इसमें स्पीकर जो है यहाँ पे एंटर करता है एज एन अनआइडेंटिफाइड पर्सन के रूप में, हु ड्रिंक्स कॉफी एंड टॉक्स फॉर द स्पेसिफिक एंड आर्टिफिशियल टाइम। यहाँ पे स्पेसिफिक आर्टिफिशियल टाइम जो है इंक्रीमेंट ऑफ एन आर की यहाँ पे बात करता है। तो फर्स्ट में स्पीकर एंटर करता है और वो जो है कॉफ़ी ड्रिंक करते हुए और यहाँ पे बात करता है स्पेसिफिक और आर्टिफिशियल टाइम के बारे में बात करता है। यहाँ पे थीम हमने पढ़ा कि मेन थीम इसकी जो है मॉडर्न जो सिटी है, रियल वेस्टलैंड ऑफ द पोइम, पोइम की रियल वेस्टलैंड क्या है वो मॉडर्न सिटी। सेकंड जो पार्ट है इसमें वो लॉन्च होता है डिस्क्रिप्शन ऑफ अ वेरी ड्राई डस्टी एंड डेजोलेट वर्ल्ड के बारे में। यहाँ पे गर्ल है जिसको द हाइसनीथ गर्ल के नाम से जाना गया है, स्पीक्स ऑफ हाउ सी इज नीदर लिविंग नॉर डेड, द करेक्टर फेनोसियन सेलर अपियर्स इन दिस पार्ट। तो इस पार्ट में ये करेक्टर्स जो हैं वो आते हैं सेकेंड जो पार्ट है उसमें, और फोनिसियन जो है सेलर भी यहाँ पे अपियर होता है इस पार्ट में, सेकेंड पार्ट में। तो ब्यूरियल ऑफ द डेड फर्स्ट पार्ट में जो है स्पीकर जो है वो कॉफ़ी ड्रिंक कर रहा है, सेकेंड जो पार्ट है इसमें गर्ल की दिखाई गई है और इसके साथ साथ में जो गर्ल है उसके बारे में बताया गया है कि नीदर लिविंग नॉर डेड, ना ही मरी है ना ही जिंदा है। और यहाँ पे फोनिसियन जो सेलर है वो भी यहाँ पे अपियर होता है सेकंड पार्ट में। इन द थर्ड पार्ट यहाँ पे जो मैडम है सोसोत्रीस, यहाँ पे क्या रीड्स कर रही है, टैरोट कार्ड्स रीड कर रही है मेक्स, और यहाँ पे प्रेडिक्शन बनाती है, फोरकास्टिंग करती है, इट विल बी फुलफिल्ड इन लेटर पार्ट्स ऑफ द पोइम। कोई भविष्यवाणी करती है और बाद में जो है वो फुलफिल भी हो जाती है। नेक्स्ट जो है फोर्थ पार्ट जो है दिस सेक्शन मेंशन ऑफ द अनरियल सिटी, द सिविलाइजेशन पोर्ट्रेड इन द पोइम विच हैज़ बीन अंडन बाय डेथ। तो यहाँ पे जो स्पीकर है वो क्या दिखाता है, अनरियल सिटी को दिखाता है, सिविलाइजेशन यहाँ पे इस पोइम में सिविलाइजेशन को दिखाया गया है, और यहाँ पे जो है वो अंडन रहती है बाय डेथ। ये जो सिविलाइजेशन है वो कम्प्लीट नहीं होती क्योंकि आफ्टर दैट डेथ कम्स, है ना। तो इस वजह से ये जो ब्यूरियल ऑफ द डेड है फोर सेक्शन है, इसके अंदर फोर सेक्शन और मेन जो थीम है इसकी वो मॉडर्न सिटी जो है एज द रियल वेस्टलैंड ऑफ द पोइम, पोइम की जो है रियल वेस्टलैंड क्या है वो जो है मॉडर्न सिटी है उसको यहाँ पे दिखाया गया है। दिस इज़ ऑल अबाउट द ब्यूरियल ऑफ द डेड। मैं यहाँ पे मेन थीम और कौन कौन से पार्ट में वो है मैं यहाँ पे लाइन की जो है एक्सप्लेनेशन नहीं किया है, नेक्स्ट कमिंग वीडियोस में एक एक को लेकर जो है उनकी एक्सप्लेनेशन भी आई विल ट्राई फॉर दैट। ओके, नेक्स्ट ए गेम ऑफ चेस,
नेक्स्ट हमारी जो पोइम है गेम ऑफ चेस वेस्टलैंड की, ये जो टाइटल है ऑफ द सेक्शन ये कहाँ से लिया गया है, जैकोबियन प्ले राइट थे थॉमस मिडल्टन। थॉमस मिडल्टन जो जैकोबियन टाइप के प्ले टाइम के प्ले राइट हैं थॉमस मिडल्टन, उनके टू प्लेज से ली गई है, अ गेम ऑफ चेस एंड वुमेन बीवेयर वुमेन। तो उनके दो जो हैं उनके थॉमस मिडल्टन के टू प्लेज हैं गेम ऑफ चेस और उनका वुमेन बीवेयर वुमेन, तो उनके इस वाले उसे लिया गया है गेम ऑफ चेस जो है। कई बार ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है तो थॉमस मिडल्टन के पले से लिया गया है गेम ऑफ चेस जो टाइटल है। यहाँ पे जो ये जो सेक्शन है वो किसके ऊपर कंसंट्रेट करता है, यहाँ पे कंसंट्रेट है फेलर ऑफ लव और सेक्सुअलिटी मॉडर्न वर्ल्ड। पूरी वेस्टलैंड जो है वो मॉडर्न वर्ल्ड के बारे में, मॉडर्न सिटी के बारे में बात करते हैं, तो यहाँ पे मॉडर्न वर्ल्ड के अंदर जो फेलर ऑफ लव है उसकी बात है। गेम ऑफ चेस में मेन जो है फेलर ऑफ लव सेक्सुअलिटी इन मॉडर्न वर्ल्ड में दिखाए गए हैं, यहाँ पे ये इनकी मेन जो डिस्क्रिप्शन है वो है। यहाँ पे इसके साथ साथ जो ये सेक्शन है वो किससे बिगिंस होता है, शुरू किससे होता है, डिस्क्रिप्शन ऑफ अ वुमेन, यहाँ पे एक वुमेन का डिस्क्रिप्शन दिया गया है जो कहाँ पे बैठी है, ऑन अ ब्यूटीफुल चेयर, एक सुंदर सी चेयर है उसके ऊपर बैठी हुई है और वो सामने क्या देख रही है, बर्निश्ड एक थ्रोन देख रही है और वहाँ पे स्प्लेंडिड ड्राइंग रूम है, लाविश डेकोरेशन है, ओपन हेयर है, वो सारे कुछ काफ़ी डेकोरेटिव और एक मॉडर्न और एक काफ़ी जो है रिचनेस जो यहाँ पे शो की गई है। वहाँ पे वहीं पे एक पेंटिंग है, वॉल के ऊपर पेंटिंग है रूम में जहाँ पे लेडी जो है वुमेन जो है वो बैठी हुई है। वॉल के ऊपर जो पेंटिंग है वो किसको रिप्रेजेंट करती है, किसकी स्टोरी यहाँ पे बताती है, यहाँ पे टेल्स द स्टोरी ऑफ फिलोमेल। फिलोमेल की स्टोरी है जो एक मैडन है और हु वाज रेप्ड, मैडन है और उसके ही सिस्टर के हस्बैंड के द्वारा उनका रेप होता है, तो उसकी स्टोरी है और एंड में किस प्रकार से ये जो है वो और जो रैपिस्ट होते हैं फिलोमिल और उसका जो रैपिस्ट होता है वो दोनों ही किस प्रकार से नाइटिंगल्स में चेंज हो जाते हैं और वो क्या सैड सॉन्ग जो है पूरी लाइफ टाइम सैड सॉन्ग गाते रहते हैं। वट वॉज द सैड सॉन्ग, दैट वॉज द जग जग, वो जग जग जो है सैड सॉन्ग गाते रहते हैं। तो ये गेम ऑफ चेस के बारे में है और इसमें फेमस जो लाइन है इनकी वो, माई नर्व्स आर बैड टू नाइट, यस बैड, स्टे विद मी, स्पीक टू मी, वाई डू यू नेवर स्पीक स्पीक स्पीक। तो ये है इसमें और इसका जो सेकंड पार्ट है वो शिफ्ट कहाँ पे होता है, लंदन बार रूम में होता है इसका जो फायर सरमन का जो सेकंड पार्ट होता है, सॉरी इसका गेम ऑफ चेस का। यहाँ पे जो टू वुमेन हैं वो क्या कर रही हैं, दिस रिप्रेजेंट द टू साइड्स ऑफ मॉडर्न सेक्सुअलिटी की जो है वो बातें कर रही हैं। वन साइड जो है वो किस टाइप की सेक्सुअलिटी जो ड्राई है बर्न है, दूसरी साइड में जो है लैक ऑफ कल्चर एंड रैपिड एजिंग, बहुत तेज़ गति से जो है टाइम वो है बहुत रैपिड चल रहा है और यहाँ पे लैक ऑफ कल्चर कि कल्चर बिल्कुल नहीं है, संस्कार जिसको हम कहते हैं कल्चर जो है हमारी बैकग्राउंड एक अच्छी है वो नहीं है और दूसरी तरफ जो है ड्राई और बैरननेस दिखाई गई है। यहाँ के जो फेमस लाइन जैसे मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, माई नर्व्स आर बैड टू नाइट, यस बैड, स्टे विद मी, स्पीक टू मी, वाई डू यू नेवर स्पीक स्पीक। तो ये गेम ऑफ चेस का मोस्ट है इसमें कि थॉमस मिडल्टन की प्ले से लिया गया है गेम ऑफ चेस से और यहाँ पे मेन जो इसकी थीम है, मेन जो कंसंट्रेशन है, कंसंट्रेट किया गया है, सेंटर जो पॉइंट है वो फेलर ऑफ लव और सेक्सुअलिटी इन द मॉडर्न वर्ल्ड है। इसमें फिलोमेला की जो स्टोरी है वो आती है इसके अंदर और किस प्रकार से वो जो बाद में है वो और उसका रैपिश जो है वो नाइटिंगल्स में चेंज हो जाते हैं, कन्वर्ट हो जाते हैं, ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं और वो जो है सैड सॉन्ग आते हैं जग जग करके। सेकंड पार्ट जो है वो लंदन के बार में शिफ्ट हो जाता है और वहाँ पे टू वुमेन दे वर डिस्कसिंग अबाउट अनदर थर्ड वन, तीसरी किसी अन्य वुमेन के बारे में वो बातें कर रही हैं और वो जो बातें कर रही हैं या फिर ये जो टू वुमेन्स हैं वो किसको रिप्रेजेंट कर रही हैं, ये जो टू वुमेन्स हैं वो रिप्रेजेंट कर रही हैं टू साइड्स ऑफ मॉडर्न सेक्सुअलिटी। मॉडर्न में एज में, मॉडर्न एरा में जो है दो तरह की जो हमारी जो कल्चर है, जो सेक्सुअलिटी है, वन साइड जो है बिल्कुल ड्राई है, बैरन है और दूसरी साइड जो बात कर रहे हैं वो किसकी बात कर रहे हैं, किससे एसोसिएट है, लैक ऑफ कल्चर से और रैपिड एजिंग से जो है वो जुड़ी हुई है। नेक्स्ट हमारी पोइम है वो है फायर सरमन। फायर सरमन, फायर सरमन का जो टाइटल है वो कहाँ से लिया गया है, सरमन गिवन बाय बुद्धा। सरमन जो बुद्धा थे है ना,
बुद्धा के उपदेश से बुद्धा ने सरमन दिया है, और वहाँ से उस उपदेश से ये जो फायर सरमन जो टाइटल है वो लिया गया है। और यहाँ पे जो है ये जो टाइटल है उसके अंदर कहीं ना कहीं स्पिरिचुअल रीजनरेशन की पैशन की जो है वो एक सीख एक ढूंढ रहे हैं यहाँ पे कहीं ना कहीं। तो यहाँ पे जो है कहीं ना कहीं स्पिरिचुअल जो रीजनरेशन है वो उसकी बात चल रही है। ये जो फायर सरमन है सबसे लॉन्गेस्ट सेक्शन है वेस्टलैंड का, सबसे लॉन्गेस्ट है, सबसे लॉन्ग पोइम है। यहाँ पे जो है वो क्या दिखाई गई है इस सेक्शन में, इस पोइम में एलियट्स यहाँ पे दिखाने की स्टरिलिटी ऑफ मॉडर्न वर्ल्ड। यहाँ पे लव जो है वो रिप्लेस किया गया है सक्स से, और रियल जो इमोशन है वो हमारी क्या हो गई है, मीनिंगलेस हो गई हैं। यहाँ पे किसकी बात कर रहा है पोइट, यहाँ पे बात कर रहा है, ये काफ़ी लॉन्ग और विविड यहाँ पे डिस्क्रिप्शन भी दिया गया है किसका, लिटर का और रेट का दिया गया है जो इन्फेक्टेड कर रहे हैं लंदन को। यहाँ पे मेन जो है वो लंदन सिटी जो है मॉडर्न सिटी लंदन उस पर बेस है। यहाँ पे जो स्पीकर जो है वो फिशिंग ऑन द बैंक ऑफ रिवर थेमस एंड म्यूजिक हिज फादर एंड मदर ब्रदर एंड फादर्स डेथ की जो है वो उसको भी क्या कर रहा है, म्यूज कर रहा है। यहाँ पे जो है अपने आप को जो स्पीकर है अपने आप को कैसे टायरेसियस के रूप में जो है वो इस फिगर के रूप में अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहा है, अपने आप को इंट्रोड्यूस कर रहा है। हाँ, और यहाँ पे जो है स्पीकर जो है वो क्या करता है, इंट्रोड्यूस करता है टायरेसियस के रूप में। और यहाँ पे जो टायरेसियस क्या है, टायरेसियस जो है फिगर है ग्रीक मिथोलॉजी, जो ब्लाइंड है बट वो क्या नहीं कर सकता, वो देख नहीं सकता, लेकिन वो फ्यूचर टाइम को देख सकता है, वो फोरकास्टिंग कर सकता है, भविष्यवाणी कर सकता है, भविष्य के बारे में बता सकता है, है ना। तो इसमें जो है यहाँ पे एलियट क्या पोर्ट्रेट करता है, टायरेसियस जो है वो एज ए ऐसा पर्सन है, हर्मोफ्रोडाइट है, जो ऐसा है जो मेल और फीमेल दोनों है एट द सेम टाइम, एक ही टाइम में वो मेल का रोल भी अदा कर रहा है, फीमेल का रोल भी जो है अदा कर रहा है। तो यहाँ पे फायर सरमन में टायरेसियस जो है उसका इम्पोर्टेंट रोल है, ही इज़ ब्लाइंड बट ही कैन सी आवर फ्यूचर, वो फ्यूचर देख सकता है, फ्यूचर के बारे में बता सकता है, बाकी वो ब्लाइंड है। और वो क्या है, वो मैन और वुमेन दोनों है। तो इसमें हमें फायर सरमन में टायरेसियस जो है वो फिगर यहाँ पे रिप्रेजेंट होता है, बुद्धा के सरमन से ये टाइटल जो है वो लिया गया है। और इसमें मेन जो है, मेन जो मोटो है वो किस बेस पे है, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन दिया गया है रेट का और लिटर का दिया गया है, और मेन जो इसमें क्या दिखाने की स्ट्रेटलिटी ऑफ मॉडर्न वर्ल्ड की जो एक खालीपन जो है वो दिखाने की कोशिश की गई है। नेक्स्ट है डेथ बाय वाटर। डेथ बाय वाटर है ये सबसे, जिस प्रकार से सबसे बड़ा सेक्शन है पोइम का, वैसे ही सबसे छोटा जो है डेथ बाय वाटर, इट इज़ द शॉर्टेस्ट अमंग द फाइव सेक्शन, ये सबसे छोटा है फाइव सेक्शन में। यहाँ पे जो है वो क्या डिस्क्राइब किया गया है, फलेबस द फिनोसियन हु हैज़ डाइड बाय ड्रॉइंग। यहाँ पे डेथ बाय वाटर ये जो टाइटल है ये कहीं ना कहीं रिप्रेजेंट कर रहा है कि डेथ किससे होती है, वाटर से। यहाँ पे फलेबस जो है फिनोसियन है ना, हु हैज़ डाइड बाय ड्रॉइंग, जो डूबने की वाटर की वजह से जो है वो मर जाता है। यहाँ पे एलियट जो है वो क्या एम्फसाइज करता है, ग्रेविटी ऑफ फलेबस, फलेबस जो हैं जो फैबल्स हैं, जो फैबल्स हैं उनकी ग्रेविटी को दिखाया गया है। और यहाँ पे जो डेथ है क्लेम्स दैट अनलाइक द कंसेप्ट ऑफ क्राइस्टस रिक्रिएशन एंड द फ्रीजर किंग, वी ह्यूमन विल ऑल मेड द फेट ऑफ फैबल्स। तो यहाँ पे कहता है कि हम सब जो हैं, हमारे सबका जो फेट है वो कैसे है, फबल्स की तरह है। यहाँ पे मेन जो मोटो है इस सेक्शन का वो है रिजेक्ट द पॉसिबिलिटी ऑफ एनी रिग्रेशन रिनीवल, कि हम रिग्रेट करेंगे, हम रिनीवल होंगे, कुछ नयापन आएगा, पुनर्निर्माण होगा, तो ऐसी जो हमें पॉसिबिलिटी है तो वो रिजेक्ट कर देनी चाहिए। तो मेन जो है यहाँ पे इस सेक्शन में, इस पोएम में, वो रिजेक्शन द पॉसिबिलिटी ऑफ एनी रीजनरेशन और रिनीवल, कि हम जो हैं दोबारा से हमारा रीजनरेशन हो गया, रिनीवल होगा, तो ऐसा हमें जो है पॉसिबिलिटी जो है उम्मीद है उसका रिजेक्ट कर देना चाहिए, उसको छोड़ देना चाहिए। तो दिस इज़ द सबसे शॉर्टेस्ट सेक्शन है, और इसमें फोनीसियन जो है वो डाइट हो जाता है बाय ड्रोनिंग, है ना। और फैबल्स जो है उसमें उसका फैबल का डिस्क्राइब किया गया है, उसके बारे में बताया गया है। नेक्स्ट है व्हाट द थंडर सेड, व्हाट द थंडर सेड ये जो है लास्ट सेक्शन है, और यहाँ पे
किस चीज़ का एमर्जेंस होता है। पीछे वाले में रिजेक्शन था, पॉसिबिलिटी को रिजेक्ट कर दिया गया है, इस वाले सेक्शन में क्या है, यहाँ पे एमर्जेंस दिखाया गया है, होप एंड सॉल्यूशन। डेथ और डिस्ट्रक्शन के बावजूद, यहाँ पे डिस्पाइट डेथ एंड डिस्ट्रक्शन, डेथ के डिस्ट्रक्शन के उसके बावजूद क्या यहाँ पे उम्मीद की गई है, होप की और सॉल्यूशन की उम्मीद की गई है कि हम कुछ उम्मीद लगा सकते हैं, हम थोड़ा बहुत सॉल्यूशन कर सकते हैं, उम्मीद हम लगा सकते हैं होप और सॉल्यूशन आफ्टर इन स्पाइट ऑफ डेथ एंड डिस्ट्रक्शन। यहाँ पे व्हाट द थंडर सेड, इसमें जो है वो क्या है, सेटिंग जो है कि अब्सेंस ऑफ वाटर एंड नीड फॉर सॉल्यूशन, यहाँ पे वाटर जो है उसकी अब्सेंस दिखाई गई। स्पीकर जो है यहाँ पे एक तरफ लैमेंट कर रहा है अब्सेंस ऑफ वाटर, कि पानी की कमी है। उसके बाद वो क्या करता है, इमेजिन करता कल्पना करता है कि पानी जो है, पानी की जो ड्रॉप है वो यहाँ पे गिर रही हैं, रॉक्स के ऊपर गिर रही हैं, पत्थर के ऊपर, चट्टानों के ऊपर गिर रही हैं। लेकिन कंक्लूडिंग क्या है, एक्नोलिजिंग क्या है, बाद में वो क्या कंक्लूडिंग निकालता है, क्या पाता है कि लास्ट देर इज़ नो वाटर, है ना, अलास देर इज नो वाटर, मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है, बहुत बार एग्जाम में पूछी जाती है वर्दा थंडर सेड में, कि कौन से पोइम से, वेस्ट लैंड के कौन से सेक्शन से ली गई है। तो यहाँ पे जो है वो किसको दिखाया गया है, यहाँ पे पोइट जो है, सॉरी स्पीकर जो है वो क्या कर रहा है, लेमेंट कर रहा है कि पानी की जो है वाटर की कमी है, लेकिन डेथ है डिस्ट्रक्शन। डिस्ट्रक्शन क्या है, क्योंकि पानी नहीं है तो डिस्ट्रक्शन होएगी, डेथ होएगी, लेकिन उसके बावजूद है इमेजिनेशन, पोइट फिर भी होप है, सॉल्यूशन है, कि इमेजिन कर रहा है कि, और वो इमेजिन कल्पनाओं में क्या देख रहा है, कल्पना करके वो देख रहा है कि रॉक्स के ऊपर वाटर जो है उसके ड्रॉप जो है ड्रिपिंग हो रही है। लेकिन आफ्टर दैट वो कंक्लूड क्या निकालता है, अलास देर इज नो वाटर, की इमेजिन करने से कुछ नहीं होगा, अलास देर इज नो वाटर, है ना। यहाँ पे फॉलिंग जो टावर्स हैं उनकी रिफरेंस यहाँ पे देता है, एंड रियल सिटी का है, ये जो सिंबल किसका है, मेटेरियलिज्म का, करप्शन का जो है विद इन सोसाइटी, समाज के अंदर जो फैला हुआ है करप्शन और मेटेरियलिज्म उसके बारे में है। यहाँ पे गंगा जो है उसका सीन भी आता है यहाँ पे, है ना, गंगा का भी इसमें कहीं ना कहीं डिस्क्रिप्शन आता है। ग्रेट रिवर जो गंगा है इंडिया के अंदर जो है वो क्या है, लॉन्गिंग फॉर वाटर, वाटर के हर किसी को पानी देती है, तो इस टाइप से। लेकिन यहाँ पे जो है थंडर है, थंडर यहाँ पे क्या बोलता है, स्पीक्स बोलता है इन द मैनर ऑफ अ हिंदू फेबल, आफ्टर है कमांड अटरिंग अ सिंगल सिलेबल, तो दिए, तो यहाँ पे दा, तो ऐसे जो है लास्ट में जो थंडर की जो आवाज़ आती है, व्हाट द थंडर सेड, जो टाइटल हमारा है व्हाट द थंडर सेड, क्या कहा थंडर ने, दिए दा, ये बोलता है। और यहाँ पे फाइनली जो फीसर किंग है वो भी क्या देता है, एक मोरल लेसन देता है कि इट इज़ अपॉन दैट थ्रो प्यूरिफिकेशन एंड नॉट गिविंग इन टू टेम्पटेशन सोसाइटी कैन बी रिस्टोर्ड, कि समाज को क्या किया जा सकता है, रिस्टोर्ड किया जा सकता है लास्ट में फीसर किंग जो है। और जो फीसर किंग है वो क्या लॉस्ट कर देता है लास्ट में, होली ग्रेल जो है वो लॉस्ट कर देता है, और किसकी वजह से, वेस्टलैंड की वजह से। फीसर किंग जो है लास्ट में मोरल लेसन देता है, और वो क्या करता है, प्यूरिफिकेशन की बात करता है, कि हमें जो है टेम्पटेशन में, लालच में जो है वो अगर रहेंगे तो हम नहीं, लेकिन वैसे हम कैन बी रिस्टोर्ड, हम अपने समाज को क्या कर सकते हैं, रिस्टोर्ड कर सकते हैं। और इसकी जो फेमस लाइन है वो क्या है, दत्ता दयाधवम दम्यता एंड शांति 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 शोज दैट इलियट फाउंड स्पिरिचुअल सपोर्ट इन हिंदुइज्म, इससे पता चलता है कि कहीं ना कहीं इलियट जो है स्पिरिचुअल सपोर्ट करता है हिंदुइज्म को। दत्ता मीन्स जो है टू गिव चैरिटी, है ना, दयाधवम मीन्स टू सिंपेथाइज, कंपैशन होने चाहिए, और दम्यता, दम्यता मीन्स टू कंट्रोल, सेल्फ कंट्रोल हमें होना चाहिए। तो ये हमारी पोइट्री सेक्शन था, हमारा जो वेस्टलैंड है मोस्ट इम्पोर्टेंट जो 5 सेक्शन इसके थे, तो उनके बारे में छोटा छोटा जो है डिस्क्रिप्शन था, छोटे छोटे उसके बारे में मेन जो पॉइंट्स थे वो मैंने डिस्क्राइब किए। शायद आपको पसंद आ रहे होंगे, शायद आपको, आपके लिए काफ़ी नॉलेजेबल होगा, इन्फॉर्मेटिव होगा। नेक्स्ट हमारा आता है प्रूफ रॉक एंड अदर ऑब्जर्वेशन, प्रूफ रॉक एंड द अदर ऑब्जर्वेशन, इट वॉज पब्लिश्ड इन 1917। इसके अंदर द लव सॉन्ग ऑफ जे अल्फर्ड प्रूफ रॉक 1915 में, और जे लव सॉन्ग जो है ऑफ जे अल्फर्ड प्रूफ रॉक का, ये जो है प्रूफ रॉक एंड अदर ऑब्जर्वेशन में 1917 में पब्लिश हुआ था। ये जो टाइटल है वो कहाँ से लिया गया है, दैट वॉज टेकन फ्रॉम रुडियार्ड किपलिंग, रुडियार्ड किपलिंग के द लव सॉन्ग ऑफ हरदयाल से लिया गया है।
कहाँ से लिया गया है टाइटल? रुडयार्ड किपलिंग के द लव सॉन्ग ऑफ हरदयाल से लिया गया है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट टाइटल कहाँ से लिया गया है, किसके वर्क से लिया गया है, मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है। इनके जो ओपनिंग जो लाइन्स हैं, द लव सॉन्ग ऑफ जी अल्फर्ड प्रूफो, लेट अस गो देन यू एंड आई, वेन द इवनिंग इज स्प्रेड आउट अगेंस्ट द स्काई, लाइक अ पेशेंट इथराइज अपोन ए टेबल। तो ये इनकी जो है ओपनिंग लाइन है। यहाँ पे जो फॉलो किया गया है, कॉन्सियस एक्सपीरियंस ऑफ प्रूफरोक्स, प्रूफरोक का कॉन्सियस एक्सपीरियंस जो है लामेंट कर रहा है यहाँ पे, रिग्रेट थीम ऑफ कार्नल लव पेनिट्रेंट। यहाँ पे जो प्रूफरोक है वो क्या कर रहा है, लामेंटिंग कर रहा है। क्यों लामेंट कर रहा है? क्योंकि उसमें यहाँ पे प्रूफरोक अपने जो फिजिकल इंटेक्चुअल जो इंटेरिया है, रिक्रेंट थीम ऑफ कार्नल लव एनेटेंट, यहाँ पे जो प्रूफरोक है उसको अपना जो लव है, अपना जो प्यार है वो नहीं मिलता, इस वजह से यहाँ पे जो है वो लमेंट कर रहा है। ये जो यहाँ पे मोस्ट इम्पोर्टेंट लाइन है, नो आई एम नॉट प्रिंस हैमलेट नॉर वॉज मेंट टू बी, ये पोइम जो है डिस्क्राइब करता है ड्रामा ऑफ लिटरेरी एंगस। इलियट जो है डेडिकेट करता है प्रूफरोक एंड अदर ऑब्जर्वेशन किसको, टू जीन वर्डनल। जीन वर्डनेल को ये पोइम जो है, ये जो लाइन्स जो है वो डेडिकेट की गई हैं। नेक्स्ट हमारे जो है ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव, ऑब्जेक्टिव जो कोरिलेटिव है, ये जो टर्म है, ये फ्रेज है, ये कहाँ पे यूज किया गया था? ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव ये जो फ्रेज है फर्स्ट टाइम अपीयर हुआ था हैमलेट एंड हिज प्रॉब्लम, इट वॉज टीएस एलियट बाई हैमलेट एंड हिज प्रॉब्लम। ये ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव फ्रेज सबसे पहले हैमलेट एंड हिज प्रॉब्लम टीएस एलियट के जो एस्से है उसमें पब्लिश, उसमें ये सबसे पहले अपीयर हुआ था। इसमें जो है ऑब्जेक्टिव, व्हाट इज ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव, सबसे पहले हम जानें कि ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव होता क्या है। ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव ये होता है कि जब हमारे अंदर, हमारे इनर, हमारे अंदर जो कुछ, जैसी जो फीलिंग्स जो चल रही हैं, जैसे जो थॉट्स चल रही हैं, जो उलझनें चल रही हैं, जो स्ट्रगल हमारे अंदर चल रहा है, अगर सेम जो है वो बाहर भी चल रहा होता है तो इट मीन्स, तो उसमें क्या होता है, दैट्स कॉल्ड ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव। तो हम कोरिलेट करते हैं, जैसे हम मान लो एग्जाम्पल लेते हैं हम किंग लियर का। जब किंग लियर जो है उसकी जो थ्री जो डॉटर्स हैं, जिसमें से टू जो डॉटर्स हैं वो उसको निकाल देती हैं, घर से निकाल देती हैं, तो वो काफ़ी परेशान होता है और एक स्ट्रगल जो है, एक स्टॉर्म, एक तरह का तूफान जो है उसके अंदर आया हुआ था कि एक टाइम में मैं किंग था, मैंने अपनी जो प्रॉपर्टी है, अपनी किंगडम जो है वो डिवाइड किया अपनी लड़कियों के बीच में, डॉटर्स के बीच में। तो जैसे वो बाहर निकलता है तो बाहर भी जो है पूरा जो वेदर है वो भी ऐसा ही, एनवायरनमेंट एटमोसफेयर ऐसा ही है कि बाहर भी स्टॉर्म है, रेन है, बारिश है। तो ऐसे ही अगर हम बहुत खुश होते हैं और हम फिर क्या होती है, हल्की हल्की अगर बारिश आ जाती है तो हमारी खुशी क्या हो जाती है, दोगुनी हो जाती है। कई बार ऐसा होता है कि हम बहुत परेशान होते हैं और उस टाइम में अगर मान लो बहुत तेज़ आंधी आ जाती है, तूफान आ जाता है, तो ऐसा लगता है कि हम, हमारी कहीं ना कहीं जो ऑब्जेक्ट हैं वो क्या हो रहे हैं, को रिलेट हो रहे हैं, आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो इस टाइप के उसको हम बोलते हैं ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव। ये जो टर्म है फर्स्ट क्वाइन की गई थी अमेरिकन राइटर एलिस्टन, बट वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय वॉशिंगटन। एलिस्टन इंट्रोड्यूस्ड इट इन इंट्रोडक्टरी डिस्कोर्स ऑफ हिज लेक्चर्स ऑफ आर्ट, इसके ऊपर इसमें किया था। इलियट जो है ऑब्जेक्टिव और जो कोरिलेटिव है इज अ वे ऑफ एक्सप्रेसिंग इमोशन, क्या बताता है कि व्हाट इज ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव। इलियट कहता है कि वे ऑफ एक्सप्रेसिंग, हमारा जो तरीका है जिसको हम कोरिलेट करते हैं हमारी एक्सप्रेसिंग इमोशन, हम अपनी इमोशन को एक्सप्रेस करते हैं, ये जो है क्या है, एक सेट ऑफ ऑब्जेक्ट्स है, सिचुएशन है, चेन ऑफ इवेंट्स है, विच विल बी द फॉर्मूले ऑफ दैट पर्टिकुलर इमोशन एंड विच विल इवोक द सेम इमोशन फ्रॉम द रीडर, है ना। सेम इमोशन हम जो राइटर ने जो लिख दिया है, हम उसको, उन इमोशंस को अपने साथ में अगर मान लो क्या करते हैं, हम उसके साथ में सेम उसको बनाते हैं, सेम उसके साथ रिलेट करते हैं, को रिलेट करते हैं। हाँ सर, सो दिस इज़ ऑल अबाउट ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव। ये है ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव के बारे में, जो फर्स्ट टाइम जो है फ्रेज जो है फर्स्ट अपीयर हुआ था हैमलेट एंड हिज प्रॉब्लम, दिस इज ऑल अबाउट ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव। नेक्स्ट हमारा डिसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी।
इट इज़ ए फ्रेज, ये इंट्रोड्यूस किया गया है टी एस एलियट ने अपने असे में द मेटाफिजिकल पोइट्स इन 1921 में। ये फ्रेज डिसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी, ये मेटाफिजिकल पोइट्स में 1921 में इसको इंट्रोड्यूस किया गया है, इसको अपीयर हुआ है। ये क्या है, डिफरेंस इन स्टाइल दैट एग्जिस्ट बिटवीन द मेटाफिजिकल पोइट्स ऑफ 16th एंड अर्ली 17th सेंचुरी पोइट्स एंड द पोइट्स ऑफ लेट 17th सेंचुरी ऑनवर्ड। यहाँ पे डिसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी मीन्स जो सेंस है, जो फीलिंग्स हैं, उसके साथ में एक प्रॉपर जो हमारी थॉट हैं और हमारी जो फीलिंग है, हमारी थॉट कुछ जो है एक्सप्रेस करती है, हमारी फीलिंग्स कुछ अलग, तो उन दोनों के अंदर जो है वो एक एसोसिएशन नहीं है, डिसएसोसिएशन है। उन दोनों के बीच में भिन्नता दिखाई गई है कि पहले जो पोइट्स थे 16th सेंचुरी और अर्ली 17th सेंचुरी के थे, उन पोइट्स के अंदर क्या था, वो उनके अंदर जो अपनी थॉट जो एक्सप्रेस करते थे, उसके अंदर वो फीलिंग्स, वो भावनाएँ जो हैं वो झलकती थी। मीन्स जो हम कुछ बोलते हैं तो उसे हमारे चेहरे के ऊपर जो एक्सप्रेशन है सेम वैसे ही आने चाहिए। अगर हम दुखी हैं तो हमारे चेहरे के ऊपर दुखी के एक्सप्रेशन आएंगे, अगर खुश हैं तो हम खुशी के। तो 16th सेंचुरी और अर्ली जो 17th सेंचुरी पोइट्स थे उनके साथ में ये दोनों मैच कर रही थी, थॉट्स और फीलिंग। उसके बाद जो है 17th सेंचुरी और उसके ऑनवर्ड्स जो पोइट्स थे उनके अंदर ये थॉट्स जो हैं और फीलिंग जो हैं, इमोशन जो हैं, वो दोनों क्या थी, वो अलग अलग थी। वो बोल कुछ रहे हैं, उन वो फीलिंग कुछ और हैं, उनके इमोशन कुछ और हैं। तो दिस इज़ ऑल अबाउट डिसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी। ये जो फ्रेज है वो मेटाफिजिकल पोइट्स में 1921 में टी एस एलियट ने यूज किया है इसको। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द डिसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी। तो इसमें जो है पोइट 16 सेंचुरी के और 17 सेंचुरी के थे, यूज टू एक्सप्रेस देयर थॉट्स थ्रू द एक्सप्रेशन ऑफ फीलिंग्स में। लेटर जो पोइट्स थे वो डिडेंट यूनाइट देयर थॉट्स विद देयर इमोटिव एक्सपीरियंस, वो इमोशन जो उनका इमोशनल जो एक्सपीरियंस था उसके साथ में थॉट्स को अटैच नहीं की उन्होंने। नेक्स्ट जो है द होलो मैन। होलो मैन जो इनका जो पोइम है, ये जो है टी एस एलियट ने 1925 में पब्लिश हुई है, इसको भी 5 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है और इसके अंदर 98 लाइंस हैं। इसके अंदर लास्ट जो 4 हैं इनकी जो कुछ लाइंस जो हैं रिपीट हो रही हैं, काफ़ी मोस्ट क्योटेड लाइंस मानी जाती हैं 20th सेंचुरी पोइट राइटिंग पोइट्री में। दिस इज़ द वे द वर्ल्ड एंड, दिस इज़ द वे द वर्ल्ड एंड्स, दिस इज़ द वे द वर्ल्ड एंड्स, नोट विद ए बैंग बट अ विम्पर। एलियट यहाँ पे जो टाइटल है वो कहाँ से प्रोड्यूस करता है, द होलो लैंड बाय विलियम मॉरिस विद द पोइम द ब्रोकन मैन बाय रुडियार्ड किपलिंग। ये होलो मैन जो है टाइटल जो है 2 के उसे लिया गया है, होलो लैंड विलियम मॉरिस का होलो लैंड से होलो लिया गया है और रुडियार्ड किपलिंग के द ब्रोकन मैन से मैन लिया गया है। तो दिस इज ऑल अबाउट द होलो मैन। नेक्स्ट हमारा है एस वेंसडे। एस वेंसडे इट वॉज पब्लिश्ड इन 1930। ये 1930 में पब्लिश हुआ है। ये फर्स्ट जो लॉन्ग पोइम है टी एस एलियट की, यहाँ पे जो है कन्वर्सेशनल पोइम भी इसको माना जाता है। दिस इज़ कन्वर्सेशन पोइम बेस्ड ऑन है रंटियस पुरगेरियो। पुरगेरियो के ऊपर जो है इसके ऊपर ये बेस्ड है। फोर क्वार्टर्स इट वॉज पब्लिश्ड इन 1945 एंड दिस इज़ द सेट ऑफ 4 पोइम्स। इसके अंदर 4 पोइम्स हैं। ये 4 पोइम्स का जो सेट है इनको 4 क्वार्टर्स इसके अंदर ये पब्लिश हुई हैं 1945 में। इनका 4 पोइम्स का बर्नट नॉर्टन है, ईस्ट कोकर है, ये जो अलग अलग सिंबल हैं, बर्नट नॉर्टन जो है सिंबल ऑफ एयर का है, ईस्ट कोकर सिंबल ऑफ अर्थ है, ड्राई साल्वेजेस वाटर का सिंबल है, लिटिल गिडिंग जो है फायर का सिंबल है। तो ये 4 क्वार्टर्स जो हैं 4 अलग अलग जो क्वार्टर मीन्स डिफरेंट डिफरेंट जो है सिंबल हैं, डिफरेंट डिफरेंट जो है उसे रिलेटेड हैं। तो 4 क्वार्टर्स नाम से पब्लिश हुआ 1945 में। नेक्स्ट हैं प्लेज ऑफ टी एस एलियट। बाकी और जो प्ले हैं टी एस एलियट के, जिसमें स्वीनी अगोनिस्टस है 1926 में, ये वर्स ड्रामा है, रोक जो है परफॉर्म्ड एट वर्ल्ड थिएटर इन लंदन में इसकी परफॉर्मेंस हुई थी, पहली परफॉर्मेंस रोक की। और मर्डर इन द कैथेड्रल, मर्डर इन द कैथेड्रल दिस इज इम्पोर्टेंट है, 1925 में पब्लिश हुआ है। ये भी वर्स ड्रामा है, ये पोर्ट्रे करता है असेसिनेशन ऑफ आर्च बिशोप थॉमस, है ना। ये किसके बारे में है, ये आर्च बिशोप के बारे में है। यहाँ पे 4 जो है टेम्प्टर जो है यहाँ पे रिसीव करता है, 4 विजिट रिसीव करता है और लास्ट जो है वो किसको, स्पिरिचुअल प्राइड को देता है। यहाँ पे जो ड्रामा की एक्शन है वो 2 दिसंबर से 29 दिसंबर 1170 तक इसमें रहती है। तो ये है मर्डर इन द कैथेड्रल। उसके बाद ये 2 पार्ट्स में डिवाइड है
ये मर्डर इन द कैथेड्रल. नेक्स्ट है फैमिली रीयूनियन 1939. ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्ले है, इनका ब्लैंक वर्स में लिखा गया है. इसके अंदर भी टू एक्ट्स हैं, फैमिली रीयूनियन. यहाँ कहीं ना कहीं जो है फैमिली का रीयूनियन होने से कि दोबारा से एक हो जाए. यहाँ पे जो है हैरी नाम का मेन करेक्टर्स है इसके अंदर. फैमिली रीयूनियन जो प्ले है, दिस इज़ अ प्ले, ये प्ले है फैमिली रीयूनियन. इसमें हैरी नाम का मेन करेक्टर है. हैरी जो है वो लव मैरिज करता है और लव मैरिज के बाद जो है वो अपनी वाइफ के साथ वर्ल्ड टूर पे जाता है, घूमने जाता है वर्ल्ड टूर पे, और वो बाय मिस्टेक जो है अपनी वाइफ को पुश कर देता है और वो जो है गिर जाती है और उसकी डेथ हो जाती है. तो यहाँ पे वो काफ़ी उसमें पश्चाताप में है, रिमोर्स में है. तो ये जो रिमोर्स की जो स्टोरी है वो अपनी आंट जो है अगाथा को बताता है. अगाथा जो है उसको सजेस्ट करती है, उसको एडवाइस देती है कि यू शुड गो ऑन ए लॉन्ग जर्नी फॉर रिपेंटेंस ऑफ योर सिन. आपने जो पाप किया है अपनी वाइफ को, क्योंकि ही वॉज द मर्डर, क्योंकि वो गलती से हो कैसे पे, बट ही वॉज द मर्डर, वो मर्डर था अपनी वाइफ की, उसका डेथ का. तो इस वजह से वो उसकी आंट जो अगाथा वो एडवाइस करती है कि यू शुड गो ऑन ए लॉन्ग जर्नी फॉर रिपेंटेंस, आपको रिपेंटेंस के लिए, रिमोर्स के लिए लॉन्ग जर्नी पे जाना चाहिए. तो इसमें ये 2-3 जो है मेन करेक्टर्स हैं. इसमें अगाथा उसकी आंट हैं, हैरी हैं और लेडी एमी हैं, ये इसमें करेक्टर्स हैं. इसकी जो फेमस लाइन है, स्पीकर यहाँ पे बोलता, आई गिव विस हुड अलाइव टू कीप द फैमिली अलाइव, टू कीप दैम टुगेदर, टू कीप मी अलाइव एंड आई कीप दैम. तो दिस इज़ ऑल अबाउट द फैमिली रीयूनियन 1939 है, वर्स ड्रामा है, टू एक्ट्स हैं. और यहाँ पे क्या दिखाया गया, रिमोर्स है एक हस्बैंड का अपनी वाइफ के लिए. नेक्स्ट हमारी है कॉकटेल पार्टी. कॉकटेल पार्टी दैट वाज पब्लिश इन 1949 में ये पब्लिश हुआ है. और 1950 में टोनी अवार्ड फॉर बेस्ट प्ले, इसको टोनी अवार्ड मिला गया है बेस्ट प्ले के लिए. ये जो कॉमेडी, दिस इज़ अ कॉमेडी, ये कॉमेडी है. और ये किसके चारों ओर, फॉर्चूनस ऑफ मिस्टर एडवर्ड चैम्बरलिन और लेविनिया चैम्बरलिन के चारों ओर हस्बैंड वाइफ के इर्द गिर्द घूमते हैं. और उनको जो है वो क्या है, हु आर सेपरेटेड आफ्टर 5 years ऑफ मैरिज. उनकी शादी होती है, मिस्टर एडवर्ड चैम्बरलिन और लेविना चैम्बरलिन है, उनकी शादी होती है. और अब तक जो है शादी के आफ्टर 5 years, शादी के 5 साल बाद ही वो दोनों जो है एक दूसरे से अलग हो जाते हैं. क्योंकि किस वजह से, बिटवीन कॉन्फ्लिक्ट, हस्बैंड एंड वाइफ के बीच में कॉन्टिन्यू जो कॉन्फ्लिक्ट चलता है इस वजह से. तो इसका मेन जो है इसके बारे में, इसको टोनी अवार्ड मिला है बेस्ट प्ले के लिए. कॉकटेल पार्टी, दिस इज अ कॉमेडी. कॉन्फिडेंशियल कलर 1953, दिस इज अ कॉमिक वर्स प्ले. नेक्स्ट असेज हैं, कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट असेज हैं. हैमलेट एंड हिज प्रॉब्लम, जैसे पहले इसकी बात हुई थी हैमलेट एंड हिज प्रॉब्लम्स की, वो डिफरेंट तरीके से बात हुई थी. तो असेज है इसका हैमलेट एंड हिज प्रॉब्लम, दैट वाज पब्लिश्ड इन 1920. ये असे है, ऑफर करता है क्रिटिकल रीडिंग ऑफ हैमलेट. हैमलेट की क्रिटिकल रीडिंग है. यहाँ पे फर्स्ट अपीयर हुआ है टी एस एलियट की द सेकर्ड वुड 1920 में, लेकिन बाद में फेबर एंड फेवर इनकी मैगजीन है उनके उसमें ये पब्लिश हुआ 1932 में. यहाँ पे हैमलेट को एज अ मोनालिसा ऑफ लिटरेचर, यहाँ पे टी एस एलियट रिफर करता है हैमलेट को कैसे मोनालिसा ऑफ लिटरेचर. मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, मैनी टाइम्स आस्ड इन एग्जाम, हु कॉल्ड मोनालिसा ऑफ लिटरेचर टू होम, टी एस एलियट कॉल्ड हैमलेट टू मोनालिसा ऑफ लिटरेचर. इन दिस एसे ही क्वाइंड द टर्म ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव. जब हमने ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव टर्म पढ़ा था, तब हमने पढ़ा था कि ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव जो है हैमलेट एंड हिज प्रॉब्लम, तो बोथ आर हैमलेट एंड हिज प्रॉब्लम एंड ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव, बोथ आर इम्पोर्टेंट है. नेक्स्ट हमारा है ट्रेडिशन एंड द इंडिविजुअल टैलेंट, दिस इज आल्सो इम्पोर्टेंट है, ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट. ये इगोइस जो मैगजीन है 1919 जर्नल, उसमें पब्लिश हुआ था. और ये क्रिटिसिज्म की द सेकर्ड वुड 1920 फर्स्ट बुक भी मानी जाती है क्रिटिसिज्म की. इस द ट्रेडिशन एंड द इंडिविजुअल टैलेंट इट इज़ डिवाइडेड इनटू 3 parts, इसको 3 parts में डिवाइड किया जाता है. कंसेप्ट ऑफ ट्रेडिशन में, थ्योरी ऑफ इम्पर्सनल पोइट्री, थ्योरी ऑफ इम्पर्सनल पोइट्री है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जाता है. और इसका जो है कंक्लूजन है उसके बारे में, यहाँ पे पोइट जो है टी एस एलियट वो पोइट्री को कैसे डिफाइन करता है, ये इसी में है ट्रेडिशन एंड द इंडिविजुअल टैलेंट में. नोट है, बहुत बार आता है हु कॉल्ड इट
इट इज़ गिवन बाय, ये कोटेशन किसकी है, टी एस एलियट की है. नोट ए टर्निंग लूज ऑफ इमोशन बट एन एस्केप फ्रॉम इमोशन, नोट द एक्सप्रेशन ऑफ पर्सनैलिटी बट एन एस्केप फ्रॉम पर्सनैलिटी. विलियम वर्ड्सवर्थ वगैरह की पोइट्री के बारे में डेफिनेशन आती है तो उनके साथ में टी एस एलियट भी अपने ट्रेडिशनल एंड इंडिविजुअल टैलेंट में ये डेफिनेशन देता है. नोट ए टर्निंग लूज ऑफ इमोशन बट एन एस्केप फ्रॉम इमोशन, नोट द एक्सप्रेशन ऑफ पर्सनैलिटी बट एन एस्केप फ्रॉम पर्सनैलिटी. और यहाँ पे थ्योरी ऑफ इम्पर्सनैलिटी इसमें रिप्रेजेंट करता है. थ्योरी ऑफ इम्पर्सनैलिटी किसने दी है, डी एस एलियट ने, कौन से उसमें समय है, ट्रेडिशन एंड द इंडिविजुअल टैलेंट, ये भी काफ़ी बार जो है पूछा जाता है. सो दिस इज ऑल अबाउट टी एस एलियट. मे यू लाइक इट, इफ़ यू लाइक इट प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल. आपको शायद अच्छा लगा होगा. टी एस एलियट का जितना भी मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क्स थे, मोस्ट इंपॉर्टेंट अस्से थे, मोस्ट इंपॉर्टेंट इनकी फ्रेज थी, इन्होंने जो जो टर्म कॉइन की थी एज अ क्रिटिक के रूप में, वो पूरा का पूरा मैंने इस वीडियो में आपको बताया है. शायद आपको अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा. अगर अच्छा लगे, पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और आगे भी आप ऐसे ही देखते रहे ना वीडियो. थैंक्स.